यूक्रेन में भारतीय छात्र नवीन की मौत के बाद विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के यूपी चुनाव प्रचार में बिजी रहने पर कटाक्ष करते हुए कहा, यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु का समाचार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, भावभीनी श्रद्धांजलि। भाजपा सरकार की ढिलाई की वजह से आज एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, जनता सब देख रही है। मंत्रियों के पास चुनाव में प्रचार करने का समय है लेकिन भारतीयों को बचाने का नहीं, दुखद। वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा, एक भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में जान गंवाने की दुखद खबर मिली, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं दोहराता हूं, भारत सरकार को सुरक्षित वापसी के लिए एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है, हर मिनट कीमती है। एक तरफ विपक्षी नेता छात्रों की सुरक्षित वापसी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर देर से जागने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने छात्रों को एक तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है और कीव और खारकीव में फंसे छात्रों को किसी भी हालत में आज शहर से बाहर निकलने की सलाह दी है।